अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। दीनियात सुफा फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था होस्कोटा सुल्तान पैलेस में। उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया अलग अलग तालुकों से। उसमें से 35 स्टूडेंट्स ने DSF के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एडमिशन लिया है। आप में से कोई इसमें एडमिशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आएगा उस पर कांटेक्ट करें, जिसमें हम 500 से 5000 बच्चों को भी IAS, KAS, SSC, PSI, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ग्रुप सी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी एनी प्लेस, पीपल कैन कम एंड टेक एडमिशन हियर। अगर बच्चा चाहे तो वो 0 to 100% स्कॉलरशिप इसमें दे सकते। पैसा या कॉस्ट आपकी पढ़ाई को ना रोकना चाहे, बाकी का जो है वो हम हैंडल कर लेंगे। आज हमारा नाम सुनने के बाद में हमें जब पुलिस स्टेशन को जाती उनका रवैया बदल जाता है। हमारी कम्युनिटी को भी फायदा होता है, साथ ही साथ पूरे मुल्क को फायदा होता है। मतलब कोई भी लड़का कोई भी लड़की जिसका ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गए, जिसकी डिग्री कम्प्लीट हो गए, उन्होंने हमारा से रब्ता करें तो इंशाल्लाह उनकी मदद हमें करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर कम से कम 8-10 नंबर आ जाएंगे हर तालुक से, वो नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए इंशाल्लाह। जो प्रोग्राम हुआ है आप मैंगलोर में भी आपका ये है जी, तो किस तरह से यहाँ पे करेंगे? जी मैंगलोर में ऐसे हम 4 साल पहले स्टार्ट किए थे SIAS के नाम से। तकरीबन हमारे पास 4 बच्चे थे जब हम स्टार्ट किए थे मैंगलोर में, और आज SIAS में तकरीबन 34 बच्चे हैं। SIAS एक फाउंडेशन है जो नॉट फॉर प्रॉफिट से काम करता है, प्रेसिडेंट सादुद्दीन साले के मॉनिटरशिप में। मैंगलोर में हमारा कोचिंग सेंटर, हम IAS, PSI, KAS और सारी कोचिंग वहाँ पे दे रहे हैं। फिर हमने लास्ट ईयर सोचा कि अगर हमारे को 34 बच्चों से 3000 बच्चों तक पहुँचना है तो हमारे को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस साल से अपना एक ऐप बनाए हैं टिक एग्ज़ाम बोल के, जिसके ज़रिए हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान का सबसे पहला और सबसे अफोर्डेबल मॉडल बने, जिसमें हम 500 से 5000 बच्चों को भी IAS, KAS, SSC, PSI, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ग्रुप सी, अगर पुलिस कांस्टेबल का भी अगर कोई पोस्ट है तो हम उसकी बच्चों को लाइव क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। ऐप में हमने सारी सर्विसेज रखे हैं। और इस चार्ज कितना दे रहे हैं हम वहाँ पे, जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे हम सालाना 50,000 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं दे सकते और जो बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं उनको हम कम्प्लीटली फ्री भी दे रहे हैं। वहाँ पे लड़की और लड़कों का दोनों का रहने का पढ़ने का पूरा इंतज़ाम है। और रही बात सारे मज़हब के इट इज़ ओपन फॉर ऑल द कम्युनिटीज़, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी एनी प्लेस, पीपल कैन कम एंड टेक एडमिशन हियर। और रही बात हमारी टिक एग्ज़ाम की, तो हमारा इरादा है कि टिक एग्ज़ाम को हम PSI के लिए सिर्फ 6,000 चार्ज करेंगे, और उसके लिए भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो 6,000 ना पे कर सके तो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट ले और उसके मेरिट के बेसिस पे हम उसको 0 to 100% कंसेशन देने के लिए भी रेडी है। IAS के लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम 22,000 रुपये चार्ज करेंगे, फिर उसके लिए भी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अगर बच्चा चाहे तो वो 0 to 100% स्कॉलरशिप भी उसमें दे सकते हैं। ऑफलाइन में भी है और DS बैंगलोर में हमारा जो एकेडमी है फिलवक्त सदाशिव नगर से हम ऑनलाइन रन करते हैं, और पहली बार DSF के तहत होस्कोटे और मालूर में हम एक नया सिस्टम डेवलप किए हैं, जिसमें हम वहाँ से क्लासेस लेंगे और बच्चे यहाँ से क्लासरूम में लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। हम 3 दिन पहले जुम्मा के दिन टेस्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। वहाँ पे बच्चे चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो 1 हो 10 हो 50 बच्चे हो। और अब इरादा ये है कि DSF के जितनी भी 18 जोन है, हल्लू हल्लू करके उन 18 जोनों में भी ये प्रोजेक्टर, लैपटॉप और स्क्रीन के तहत ये क्लासेस हम रन करें। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे स्टूडेंट को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं होता जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैं अपने प्रोग्राम में भी बोला कि अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो हमारे पास बहाने कहीं हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार कोशिश करके देखिए, अगर कहीं पे 1,00,000 चार्ज कर रहे हैं तो आज देखिए DSF की इनिशिएटिव है कि हम 6,000 से 4,000 आ गए। और अगर उस लिए भी कोई मसला है, हर एक के अपने अपने मसले होते हैं, अगर उसमें भी कोई मसला है तो वो DSF के जिम्मेदारों तक पहुंचे, हम कंप्लीट 100% स्कॉलरशिप भी उनको देने के लिए। पैसा या कॉस्ट आपकी पढ़ाई को ना रोकना चाहे, बाकी का जो है वो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन एक पैसा एक वजह ना हो कि आप उस एग्ज़ाम के लिए, उस कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अपेयर ना करें। और हमारा परसेंटेज काफ़ी कम है, आप जानते हैं IAS में हम 3.5% है, स्टेट में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का जो ब्यूरोक्रेट में परसेंट वो सिर्फ 2% है। तो ये बेहतर है कि हम सिस्टम में आएँ, सिस्टम को समझें और सिस्टम को सुधारने में और इस मुल्क को जो भी हम कॉन्ट्रीब्यूट करें उस कॉन्ट्रीब्यूट में हिस्सा। मेरा नाम सैयद शाहिद हाशमी है, मैं पिछले 4 साल से IAS KAS के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं गुवाहाटी, चेन्नई, मैंगलोर, दिल्ली, ये सारी जगह पे जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स लेता हूँ। इस प्रोग्राम का आज मेन मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक्चुअली लास्ट 10 साल से जो हमारी होस्कोटे की जो टीम है, दीनिया सुफा फाउंडेशन, ये जो मेहनत कर रही थी बच्चों को दीनी तालीम के बारे में,
जो 4 साल से जो बच्चे 10-11 साल के बच्चे हैं इनको दीनी तालीम कंपलसरी इनको दीनी तालीम देना है, इनको बेसिक दीन तो हमारे बच्चों के अंदर आना है बोल के इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। फिर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फिर शाहिद भाई से हमारी मुलाकात हुई। तो शाहिद भाई जो मेहनत कर रहे थे 4 साल से जो मंगलोर के अंदर जो मेहनत कर रहे थे, उनकी एकेडमी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में आईएएस आईपीएस के जो मेहनत हो रही थी, फिर उनसे हमारा टाई अप होने के बाद में उनको रिक्वेस्ट करे, उनका कॉन्सेप्ट पूरा हमें सुने, उसके बाद में हमें ऐसा सोचे हमारी कौम से बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। जब हमारे कौम से बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, आज हमारा नाम सुनने के बाद में हमें जब पुलिस स्टेशन को जाती उनका रवैया बदल जाता है, तो उसके लिए वहाँ पर हमारी कौम अगरचे बैठी तो सबके साथ इंसाफ कर सकती है, सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है, गैर कौमों के साथ में भी इंसाफ कर सकती है। क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे बच्चे आज 35 बच्चे पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए दाखिला लिए हैं। कितने बच्चे? 35 बच्चे पुलिस सब इंस्पेक्टर के वास्ते दाखिला लेकर हैं, और हमें एक ही बात बोल रही, तुम्हें सिर्फ इंसाफ मुसलमानों के साथ नहीं करो, इंसाफ सारे इंसानियत के साथ करो, क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना है कि हमें कैसा इंसाफ कर सकते हैं बोल के। तो उसके लिए यहाँ पर हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट जॉब्स में ज्वाइन होगी तो उस वक्त हमारी कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है, साथ ही साथ पूरे मुल्क को फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी कौम जो है इंशाअल्लाह इंसाफ पसंद कौम है, हमें जो है सुकून से रहने के लोग हैं, दूसरों को भी सुकून से रहना देना चाहते हैं। उसके लिए ये जो सोच जो शुरू है इंशाअल्लाह इसका 1-2 साल के अंदर आप एक रिजल्ट देख सकते हैं। इंशाअल्लाह हर पुलिस स्टेशन में हमारा एक ऑफिसर रहता है और सबसे ईमानदारी से इंसाफ से उन्हें सलूक करता है, बल्कि वो उम्मीद है हमारा। सर आपका टारगेट 35 पे ही है या और? नहीं, ये तो बिगनिंग है, अभी कोई जमना है हमारे चैनल के जरिए से हो या? जरूर जरूर जरूर। तो आप तक आपसे तीनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बोलते ना वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि बाई मातना जाहिरातू बोलती हैं, उसके लिए यहाँ पर अपने ज़बान से दूसरों के कान भरो, बोलो ये आपको जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो अभी 15 जनवरी को जो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जनवरी 2021 से, इंशाल्लाह कोई भी लड़का कोई भी लड़की जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गए उन्होंने हमारे से रब्ता करें तो इंशाल्लाह उनकी मदद हमें करेंगे। और अभी आप सवालत करते हमारे शाहिद भाई से फ़ीस के बारे में, कितना फ़ीस होता है बोल के, इंशाल्लाह वो बोलते ना वो जिसके अंदर जो तड़प है, इंशाल्लाह जिसके अंदर तड़प है कामयाबी होने के लिए मदद करने के लिए उनको रास्ते 1000 मिल जाते हैं। अगरचे कोई ऐसा एक लड़का है ऐसी लड़की है उनके पास 4-5 हज़ार बनने के लिए फ़ीस भी नहीं है बोले तो ऐसे लोग हमारी टीम से मिले तो इंशाल्लाह अगरचे उन्होंने ज़कात को उन्होंने क्वालिफाइड रहे तो हमें ज़कात के फंड से भी इंशाल्लाह उनको मदद करने तैयार हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो है मैं 3 क्योंकि 1 नंबर नहीं दे सकते, आपके स्क्रीन के ऊपर कम से कम 8-10 नंबर आ जाएंगे हर तालुक से, वो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए इंशाल्लाह आपको मदद मिल जाएगी। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद, मैं दीनिया सुफा फाउंडेशन का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ और मैं हमारा बहुत बड़ा टीम है, एक्चुअली हमें पूरा टीम वर्क के ऊपर मानते हैं, ये इंडिविजुअल आदमी का एफर्ट्स नहीं है, ये टीम का एफर्ट्स है, TEAM टुगेदर एवरीवन अचूस मोर, तो ये पूरा जो है टीम का क्रेडिट जाता है, इसे अल्लाह का एहसान है, अल्लाह हमने सबको जुड़ाया है तो इसकी वजह से ये कामयाबी हो रही है।